तो आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड में 2024 में 5 नंबर में पूछा जा चुका है। तो इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करके देंगे और इसी से मिलते जुलते दो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा और आप उन्हें खुद से सॉल्व करोगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमें दे रखा है वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल है में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह है बेटा आपका न्यूमेरिकल। चलिए सबसे पहले समझते हैं वाष्प दाब में अवनमन का कारण। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी द्रव या विलायक के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। हमने क्या जाना, किसी द्रव या विलायक के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आगे देखें, जब किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, जब किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो इसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलेय द्वारा घेर लिया जाता है, जिसके कारण इसके अणुओं के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। समझ रहे हो, यह होता है वाष्प दाब में अवनमन का कारण। आइए आगे देखते हैं बेटा, ये भी याद रखो, वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। चलिए अब हम इसे करेंगे राउल्ट के नियम से सोल्व इस न्यूमेरिकल को। आइए पहले ये समझिए बेटा, पी नोट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक बोले तो जिसमें केवल विलायक हो, विलय ना हो, उसे कहते हैं शुद्ध विलायक। माइनस पीएस बोले तो विलयन का वाष्प दाब। पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ये टोटल क्या कहलाएगा, ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सही है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन संबंधी। भाई वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम क्या होता है, देखो आओ अभी याद करवाता हूं मैं आपके, ध्यान समझो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के या मोल अंश के बराबर होता है। हो गया याद। चलिए अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो पी नोट माइनस पी एस ये होता है वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन, और ये क्या था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बताओ दो परिभाषाएं मैंने आपको इसी से याद करवा दी। चलिए आगे चलो बेटा, हमने मोल प्रभाज आपको इन डिटेल पढ़ाया है। 2011 से लेकर 2024 तक के सभी न्यूमेरिकल कराए मोल प्रभाज पर, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कराए हैं, तो ये तो आपसे अच्छी तरह से आता होगा बेटा। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हैगा, या चैनल पर जाइए, वहां पर आपको 2011 से लेकर 2024 के जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, या कह दो भाई ये टॉपिक वाइज कराए, जाके देखिए आप। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं विलेय का मोल प्रभाज। आइए तो हम कैसे निकालते, देखो समझो बता देते हैं आपको। देखो ये क्या है, ये है बेटा विलेय के मोलों की संख्या, और ये क्या है विलायक के मोलों की संख्या।
तो क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक के मोलों की संख्या, ऐसे निकालते हैं विलय का मोल प्रभाजी। अगर हम तनु विलयनों के लिए बात करें, तनु विलयन बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन का मतलब क्या है, देखो ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और ये कौन है, विलय के मोलों की संख्या। आप क्या देख रहे हो सर, विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या से ज्यादा है, तो बस ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाएगा, जिसमें विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या से ज्यादा होगी। बस देखो बहुत ज्यादा है वहां पर। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, ऐसी कंडीशन में हम करते हैं जो हमारा एन टू प्लस एन वन था ना ये वाला, तो हम इसे लगभग लिख देंगे किसके बराबर, एन वन के, मतलब ये विलय और विलायक के मोलों की संख्या है, लगभग बराबर होगी किसके, विलायक के मोलों की संख्या के। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, एन वन लिख दिया। चलिए आगे देखो बेटा, मैं आपको फॉर्मूला बनाकर दे रही हूं, मैं चाहता आपको यहां से डायरेक्टली न्यूमेरिकल शुरू कर देता तो आपकी समझ में क्या आता, इसलिए बेटा आप इस तरह से लिखिए ताकि आप भूलो नहीं कि यार ये फॉर्मूला कैसे आ गया। आइए अब हम क्या जानते हैं भाई, ये हमारा विलय के मोलों की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या, हम निकालते हैं विलय का भार, विलय का भार या कह दो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार या कह दो विलय का मोलर द्रव्यमान। सही है, आइए ओहो क्या कर दिया मैंने, ये यहां पे तो लिखो भाई टू लिखो, ओहो भाई गलती हो गई मारे से। चलिए आ गई, ये तो बात समझ में आ गई। चलो अब देखो ये क्या है, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरह से विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं, वन विलायक के लिए और टू विलय के लिए, याद रहेगा। चलिए अब वैल्यूज को देखिए आपको क्या क्या दे रखी है, तो मैंने यहां तक आपको ये फॉर्मूला बना दिया और कह दिया भाई ये समीकरण हमारी फर्स्ट है। आइए चलिए अब इसमें वैल्यूज को रखिए भाई, पी नॉट क्या है सर, शुद्ध विलायक का वाजदाब कितना दे रखा है सर, 0.745 बार, सही है। पी एस क्या है सर, विलयन का वाजदाब, विलयन का वाजदाब दे रखा है 0.740 बार, ओके। चलिए डब्ल्यू टू क्या होता है सर, विलय का भार होता है, विलय का भार, विलय किसे कहते हैं जो घुलता है, और विलायक किसे कहते हैं जो घोलता है, बस ऐसे पहचानते हैं विलय और विलायक को। देखो 0.5 ग्राम को आप 39 ग्राम में घोल रहे हो, इसे इसमें घोल रहे हो, इसे इसमें घोल रहे हो, ये घुल रहा है और ये घोल रहा है, तो घुलने वाला विलय और घोलने वाला विलायक, तो 0.5 ग्राम ये आपका विलय की मात्रा है। अच्छा देखो अब जो ठोस है ना आपका अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब हमें हमें जो है वो M2 ज्ञात करना है, सही है, M2 हमें M2 क्या करना है, ज्ञात करना है, लो इसे बॉक्स में बना दो दिखाई दे रहा दूर से। चलिए W1 सर क्या है, विलय का द्रव्यमान या विलय का भार जैसा बोलना चाहो, 39 ग्राम है सर। चलिए हमें इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान दे रखा है, बताइए, जी सर दे रखा है 78 ग्राम पर मोल दे रखा है। चलिए इतनी बात आप नोट कीजिए जल्दी से, चलो हम लिखते हैं समीकरण एक में मान रखने पर, सही बच्चों रखो जल्दी से मान इसके अंदर, 0.745 माइनस कितना 0.740 अपॉन कितना बेटा 0.7 अरे बन जा सही से 45। वैल्यूज चेक करते रहना, W2 और W1, W2 सर 0.5 सही, इसके बटे में कौन है सर M2 है, इनटू
इंटू इंटू इंटू। देखो एक बार बताऊंगा आपको, ध्यान समझो। देखो M2 तो नीचे आ जाएगा, आ गया, और M1 जो है ना वो कहां चला, ऊपर चला जाएगा। अरे भाई M2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा, इतनी बेसिक सी बात तो जानते हो यार, हद करते हो भाई तुम। तो ये आ जाएगा ऊपर 78, सही है। अच्छा और W1 यार बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई मुझे, कुछ दिखाई दे रहा है यहां से? सर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो इसे मैं काट दूं कितनी बार, दो बार। देखो इसे घटाओ, अरे बहुत आसान कैलकुलेशन है। यहां से क्या आएगा, फाइव आ जाएगा, यहां आएगा जीरो आ जाएगा, फिर यहां जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट है, फिर जीरो आ जाएगा, और बटे क्या है, 0.745 बराबर 0.5 इंटू टू बटे एम टू। चले भाई आगे चले। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दो तो क्या बचा, इसे तो रफ कर दो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें। देखिए भाई 5/745 बराबर 0.5 इंटू टू, और यहां कितना आ गया बेटा एम टू। देखो इनकी जब गुणा करोगे आपस में कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा सर, 1 ही बन जाएगा, है नहीं? तो M2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आपका इस तरह से। अब इसे जब भाग दोगे ना कितना आ जाएगा बेटा, 149 ग्राम पर मोल, और यही होगा इस सवाल का आंसर।